Hello students, again welcome to my channel. So today we will going to discuss about a very important trick. Okay, that is from the chapter number system. और इस तरह के questions आपके competitive exams में paper में रखे ही रहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही easy trick है, आप बहुत आसानी से इसको grasp कर सकते हो. So यहाँ पे आपको दे रखा है how to solve 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on up to 10 square. ठीक है, आपको ये देखने में बहुत ज़्यादा complex लग रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर निकालें, फिर इसको प्लस करें, फिर इसका स्क्वायर निकालें. ना ना ना, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना. आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आप 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर. सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट में हमारा 10 लिखा है. ओके, तो सॉल्यूशन में हमने पहले तो लिख दिया 10. 10 के बाद आता है आपका 11, तो हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, देन अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर ले तो हमारा आ जाएगा 21, और 21 से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. डिवाइडेड बाय हमारा आता है 6. ठीक है, तो हम बस इतना सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप में, लास्ट वाला नंबर लिया, उसके एक नंबर ऐड करके दूसरा नंबर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का सम किया, सम करके जो नंबर आए उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइडेड बाय हमने 6 कर दिया. 6 से हमने डिवाइड कर दिया इसको. ओके, तो ये बेसिकली आपका ये पूरा ये इतना चीज़ आ गई, आपको सॉल्व करना है इसको और इसका आंसर निकालना है. तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है. आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ईजी वे बता रही हूँ सॉल्व करने का. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 3 2 6 होता है, 3 7 21 होता है, 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है. ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या बचा, 5 बचा, 11 बचा और 7 बचा. 5 7 से क्या होता है आपका 35 होता है और 11. ओके, तो अब ये भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि 35 से 11 को सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी बहुत ईजी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ. आपको मल्टीप्लाई किसको करना है 11 से 35 को. सो फॉर दिस यू हैव टू राइट फर्स्ट 3 हेयर, 5 हेयर. ठीक है, 35 की बात करें हम, तो पहले आपने लिखा 3, आपने लिखा 5, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आ गया 8. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, जो कि बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपका सॉल्व हो गया. ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है और लास्ट में यहाँ पे लिखा है 60. तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, 60 लिखना है. ठीक है, अपने माइंड में रिवाइज करते जाइए वो पूरा मैथड. 60 के बाद लिखना है आपको इसके बाद का नंबर, डेट इज 61. अब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा आपका, 121 आएगा, इसको लिख लीजिए, एंड डिवाइडेड बाय 6. ओके, सो हियर वी हैव. अब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 6 1 6 6 10 60. सो आपने लिख दिया 10 इंटू 61 इंटू 121 को अगर आप शॉर्ट कर दें तो आप लिख सकते हैं 11 इंटू 11 कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं, आइए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 61 को इंटू 11 को. तो वही सेम ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, 6 लिखिया, फिर आपने 1 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 आ गया. ठीक है, तो आपका इतना सॉल्यूशन आपका आ गया 671 आ गया. और आगे हम लिख लेते हैं 11 इंटू 10. ठीक है, तो आगे अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की, 671 इंटू 11 की बात करें अगर हम, तो सिमिलरली हम वही सेम जैसे आपका मैथड था, शॉर्ट मैथड, हम यहाँ पे भी वही सेम करने वाले हैं. सबसे पहले हमने लिखा 6 लिखा, 6 और लास्ट का नंबर हमने लिखा 1. ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 13 आया. तो 13 का हमने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 एक कैरी कर लिया.
ठीक है। अब फिर से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 1 + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8, ओके। और आगे आपका 10 भी है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन अगर निकालें तो हमारा आएगा 0, 1, 8, 3 और आपने यहाँ पे जो कैरी दिया था इसको, ये आपका हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 7, 7, 3, 8, 1, 0। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका यह आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ओके। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।